समझ रहे हो डेराइव्ड, अभी इतना अच्छा उदाहरण दिया था मिल्क का, जो मिल्क से बने वो मिल्क के डेराइव्ड यूनिट, और जो एसआई यूनिट से बनेंगे वो एसआई की डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए ये भी एसआई यूनिट ही कहलाती है लेकिन फंडामेंटल नहीं कहलाती, फंडामेंटल वही होती है डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। दो चार कराते हैं बाकी कल कराएंगे, ट्वेल्थ के बच्चे आने वाले हैं, दो मिनट का रेस्ट तो चाहिए हमें। डिराइव्ड एसआई यूनिट्स है ना, देखिए बहुत सारी डिराइव्ड एसआई यूनिट्स हैं आपकी है ना, लेकिन हमें कुछ ज़रूर पता होनी चाहिए। फिर इसके कन्वर्जन सिखाएंगे आपको कल, कैसे कन्वर्जन में जाना है ना, डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। हाँ आ रहे वैसे, एक मिनट में लिखिए, दीज आर द एसआई यूनिट्स, दीज आर द SI units, these are the SI units which are formed, with the help of, basic या fundamental लिख सकते हो आप, बेसिक या ब्रैकेट में लिख लीजिए फंडामेंटल, फंडामेंटल तो वही है हमारी साथ, फंडामेंटल सेवन एसआई यूनिट्स, इतनी ज़्यादा एसआई यूनिट्स विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेवन एसआई यूनिट्स। ठीक है तो चलिए चालू करते हैं इनको। सबसे छोटी तो हमें डिस्टेंस की पता चल गई थी लेंथ, इसके आप डालिए है आप, फर्स्ट वन चालू करेंगे हम एरिया। तो आपसे कोई एरिया की एसआई यूनिट पूछे तो क्या होगी फिजिकल क्वांटिटी, क्या होगी इसकी लेंथ स्केयर, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है मीटर, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्केयर। और कोई अगर इसकी सीजीएस यूनिट पूछता तो लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाती सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये फर्स्ट हो गई हमारी, लिख लीजिए। सेकेंड वन हम कर लें जैसे वॉल्यूम, तो ये एसआई यूनिट की हेल्प से बन रही है, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ विथ हाइट, तो लेंथ का क्यूब या फिर लेंथ विथ हाइट का, सबको या लेंथ हो या विथ हो सबको, हाइट को सबको आप डिस्टेंस भी मापने वाले हो, तो ये क्या आ जाएगी मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये हो गई आपकी एरिया की, एक दूसरी हो गई आपकी वॉल्यूम की। नेक्स्ट देखें हम वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी हमें अगर किसी की वेलोसिटी पता करनी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होगा वो टाइम भी पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में लेंगे हम मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है समझ रहे हो ना बात को, चलिए ठीक है अब इतना ही करते, बाकी कल क्या बाद में करेंगे, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब आप लोगों के लिए देखिए चार पाँच दिन की छुट्टियां हैं, आप लोगों की एजुकेशन थोड़ा सा बीच में रुक रही है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आपकी सही पढ़ाई आज से स्टार्ट होगी, लेकिन पिछला भी याद आपको लेके चलना है, ये फैन वाली प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे जल्दी। देखिए अगर आपसे कोई पूछे बेसिक फिजिकल यूनिट्स और SI यूनिट्स, और यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम कितनी हैं, तो वो हैं सेवन, दो और होती हैं लेकिन वो बेसिक में काउंट नहीं की जाती, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, वो नॉलेज के लिए आप ध्यान रखो, सेवन होती हैं, बेसिक सात ही हैं। अब इन सात यूनिट्स में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ और नई यूनिट्स बनेंगी, दीज यूनिट्स आर नॉन एज डिराइव्ड यूनिट्स
हमने एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझाया था, जैसे कि मिल्क से जो जो बनेगा वो मिल्क का डेरिवेटिव्स कहलाएगा। डेराइव्ड वर्ड्स आपको बहुत मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। जो भी मिल्क से बना, कर्ड डेराइव्ड ऑफ मिल्क, चीज डेराइव्ड ऑफ मिल्क, इसी प्रकार इन्हीं 7 यूनिट से, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अगर कोई पूछ ले एरिया, तो एरिया ऐसा यूनिट नहीं है, एरिया डिराइव्ड ऐसा यूनिट है। क्योंकि एरिया किससे मिल रहा है आपका, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एरिया की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये तो है ऐसा ही यूनिट लेंथ की, मीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो ऐसा ही यूनिट, सिंपली आप ऐसा यूनिट बोल सकते हो। लेकिन हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि डिराइव्ड ऐसा यूनिट है, क्योंकि ये किससे डिराइव्ड हुई है, फिजिकल यूनिट से। यहाँ तक कर लिया था, अब पूरी हम डिराइव्ड यूनिट क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, लेंथ हो गया था, ठीक है ना, एरिया हो गया था, वॉल्यूम भी हो गया था, है ना, नहीं लेंथ तो अलग है, एरिया वॉल्यूम और वेलोसिटी हो चुकी थी। तो चलो इनको शुरू से एक बार कर लेते हैं, एरिया, फिर चलते जाते। एरिया मतलब क्या, अगर कोई एरिया पूछ ले हमसे तो क्या मतलब, लेंथ इंटू विथ, ए इंटू बी। तो चाहे आप लेंथ को मीजर करो चाहे विथ को मीजर करो, उसके लिए ऐसा यूनिट क्या जाएगी, मीटर। तो ये एरिया होगा लेंथ स्क्वायर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ईटा उसके। लेकिन हम फिर भी समझ रहे हैं कि ये डिराइव्ड एसआई यूनिट है तो एसआई, लेकिन डिराइव्ड एसआई यूनिट है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम देख लें आपकी वॉल्यूम। कोई अगर आपसे वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा वॉल्यूम, जैसे हम कहें इस कमरे का वॉल्यूम कितना है बताओ, तो आप कहोगे सर हमें आप 3 चीज़ें बता दो, या आप हमें मीटर दे दो तो हम पता कर लेंगे। हमें इस एरिया वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसमें कमरे में कितनी जगह है, वही तो उसका वॉल्यूम होगा। स्पेस कवर्ड बाई एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ये जितनी जगह घेर रहा है वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। अब कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है हमें कैसे पता चलेगी, हमने कहा इसका वॉल्यूम कितना है बताओ, तो हम इसका वॉल्यूम पता होने के लिए इसकी लेंथ पता चल जाए, लेंथ पता होने के साथ इसकी विथ पता चल जाए एंड हाइट। तो लेंथ, विथ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने कितनी जगह घेरी है। अब इस कमरे में हमें पता करना है कितनी जगह है टोटल, तो हमें इसकी लेंथ पता चल जाए, इसकी विथ पता चल जाए और इसकी हाइट, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस कमरे में कितनी जगह है। वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कोई चीज़ जितनी जगह घेर रही है वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। स्पेस कवर्ड बाई एनी सरफेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी अगर एसआई में जाए तो क्यूब, और इन्हें की सीजी एस लिखते तो सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है, आ रही बात समझ में। इसके बाद थर्ड वन कौन सी की थी हमने, क्या होती है वेलोसिटी बताओ। देखिए अगर आपको वेलोसिटी का मतलब है वेग, वेग बोलते हैं, किसी की वेलोसिटी पता करनी है कि लो है कि हाई है तो हमें कैसे पता चलेगी, एक तो हमें देखना पड़ेगा कि उसने कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, आप जो आप बोलना चाहे, और उसमें कितना आपका समय लगा हुआ है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी उसकी वेलोसिटी। लास्ट हमने कहाँ कराया था आपका, वेलोसिटी तक है ना। तो वेलोसिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एंड कितने टाइम में। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स हो सकती है। अब चलिए यहाँ से आगे हम लिखना चालू करते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर है एक्सीलरेशन, डालिए फोर्थ नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सीलरेशन, क्या होता है एक्सीलरेशन, ठीक है पर अभी सही नहीं आया।
वेलोसिटी में कितना चेंज आया है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब आपको कनेक्ट करते हुए याद करना है, ध्यान रखिए, वेलोसिटी आ जाए तो आपको इतना देखना है कि उसने कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है पर यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम की बहुत सारी होती है, लेकिन हम SI यूनिट में चल रहे हैं तो टाइम की SI यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो फिर उसमें लिया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एक निश्चित समय में, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी में कितना चेंज आया है इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए इसका मतलब होता है, अब हम यहाँ से पूरा लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी और किसमें, इन अ पर यूनिट टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। नोट करिए इसकी यूनिट बना के दिखाइए फर्स्ट हमें, चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, अब मीटर सेकेंड इनवर्स, और टाइम की भी SI यूनिट क्या होगी, सेकेंड, इस सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस की टू, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको बेटर लगे। ये हो गई, अब ये चीज़ें भूलेंगी अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं समझोगे। आप अपने दिमाग में फिट करिए, वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल की है, वो होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में जो चेंज आया है पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर समझोगे तो याद रहेंगे, नहीं तो फिर ये भूल जाएंगे। ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, फिफ्थ नंबर पे है हमारी फोर्स। फोर्स जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोलते हैं, वो एक्सेलरेशन कितने मास में हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, याद, FM रेडियो तो सबने सुना है ना, FM रेडियो, तो आपको ऐसे याद कर लेना, अच्छा रेडियो से क्या आती है, ऑडियो, तो FMA, जे, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कभी, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ फोर्स की SI यूनिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन FMA, तो F से हो गया फोर्स, M से हो गया आपका मास, और इस मास में कितना एक्सेलरेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। जैसे ये जो मास है ये ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मास में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले, आया है क्वेश्चन, वेट की SI यूनिट क्या है, कोई बता सकता है, अरे मास किसी की यूनिट ही नहीं है, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस कॉल्ड इट्स मास। हम पूछ रहे हैं वेट की SI यूनिट क्या है, अभी नहीं लिखवाई हमने, अट द यूनिट ऑफ SI डिराइव्ड SI यूनिट ऑफ वेट। अच्छा वेट किसी का क्या होता है, ग्रेविटी के द्वारा जो मास अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेट बोलते हैं, है ना। जैसे आपने लिखा देखा होगा मिलीग्राम, तो यहाँ पर M से मतलब है मास और G से मतलब है ग्रेविटी, आपने लिखा होगा ग्राम, यहाँ G से मतलब है आपकी ग्रेविटी और M से मतलब है आपका मास। तो ये जो मास में एक्सेलरेशन आ रहा है ग्रेविटी के कारण, इसी को क्या बोलते हैं, वेट। और मास में जब भी एक्सेलरेशन आता है तो उसी को तो क्या बोलते हैं, फोर्स। तो जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट की यूनिट होती है, ये ध्यान रखिए आप लोग।
जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट, दोनों की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, अभी हम बताएंगे। तो देखिए मास इनटू एक्सीलरेशन नोट करिए और यूनिट बना के दिखाइए। मास इनटू एस, इनकी फाइनल आपको मेन यूनिट तो याद होनी चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, एक्सीलेंट पढ़ाई होनी चाहिए आप लोगों की। मास इनटू एक्सीलरेशन मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? क्लियर? हाँ सही बोल रहे हो। मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की अभी भी क्या देखी हमने? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ये हो गई आपकी फोर्स की एसआई यूनिट, और आप इसको याद रखें या ना रखें ये याद जरूर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं वन न्यूटन। तो ये है आपकी फोर्स की एसआई यूनिट, और ध्यान रखिएगा वेट, वेट जो होता है वो भी मास में, जो ग्रेविटी के द्वारा एक्सीलरेशन आया है, मास में जो एक्सीलरेशन आया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को बोलते हैं वेट। तो अगर आपसे कोई कभी वेट की एसआई यूनिट पूछ ले, ध्यान रखिएगा इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होती है। बहुत कम लोगों को पता रहता है वेट की एसआई यूनिट, फोर्स की तो सबको पता है न्यूटन, लेकिन वेट की बहुत कम लोगों को पता होती है। ये नहीं आ रहा समझ में, हम बोल देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप लोग ऐसे याद कर लो एफ एम ए, और अगर कर लो पूरा याद तो बहुत बढ़िया है, हम तो चाहेंगे पूरा याद कर लो, लेकिन इसको तो याद करना ही है कि फोर्स की होती है न्यूटन एसआई यूनिट, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट वन, सिक्स वन है आपकी एनर्जी, और जो एनर्जी की यूनिट होती है वही यूनिट होती है वर्क की। एनर्जी और वर्क, अब ऐसा क्यों है? अच्छा ये बताओ, हम जितने तेजी से हाथों में वर्क करेंगे, इनको रब करेंगे, उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? हीट, और हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क से हमारी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब दूसरा उल्टा देखते हैं, ऐसे व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल्स में हमने क्या डाला हुआ है? पेट्रोल या डीजल या कोई भी एक फ्यूल डाला हुआ है हमने, ठीक है ना। वो फ्यूल क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी। वो एनर्जी आपकी जो वहाँ होती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। तो जो आपकी एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उससे हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, मतलब उनमें क्या हो रहा है? वर्क, मतलब एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। वर्क कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क में, तो एक दूसरे में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वर्क का एनर्जी में, एनर्जी का वर्क। आप लोग पढ़ेंगे अभी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वहाँ पर और अच्छे से समझाएंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें, हम बहुत डिटेल से समझाएंगे आपको हीट एनर्जी और वर्क क्या होती है आपकी। तो एनर्जी और वर्क क्योंकि आपस में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होते हैं। अब क्या है एनर्जी और वर्क? देखिए इसको ऐसा याद करिए, एनर्जी को हमने अपने, एनर्जी क्या है एक बार आप कह सकते हो कि किसी भी कार्य करने के लिए जो हमें एक रिक्वायरमेंट है हीट प्रोसेस की, मैकेनिकल प्रोसेस की, वो हमारी क्या हो गई? एनर्जी हो गई। अब हम कह रहे हैं, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, हमें उतना ही कार्य कर पाएंगे। अच्छा फिक्स्ड डिपॉजिट जानते हो आप लोग?
फिक्स डिपॉजिट, बैंक में मनी को क्या कर दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें अच्छा खासा इंट्रेंस मिलता है। अगर आप ऐसे ही आप रखेंगे उसको चालू खाते में तो इंट्रेंस कम रहता है, फिक्स कर देते हो, बैंक को बता देते हो कि 6 महीने के लिए हमने रख दिया, तो वो इंट्रेंस ज़्यादा देते हैं। तो इसी प्रकार हम एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लें, फिक्स डिपॉजिट कर लें। तो अब एनर्जी यहाँ से फोर्स, और हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, उतना ही अभी तो बताया ना हमने, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी की, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे हमने इसके पहले फोर्स को याद कराया था, ऐसे याद कर लो FMA, FM रेडियो से ऑडियो आ रहा है, तो फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी प्रकार एनर्जी का ऐसे याद कर लो कि एनर्जी को हमने अपने अंदर फिक्स डिपॉजिट कर लिया, तो ये हो गई। तो एनर्जी की होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लो या डिस्टेंस लिख लो, हालांकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर अभी केमिस्ट्री के टर्म में कोई फर्क नहीं है। तो एनर्जी और वर्क में आप देख लीजिए फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख लीजिए या डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। चलिए जल्दी से हमें इसकी यूनिट डायमेंशन निकाल के दिखाइए। सब लोग निकाल सकते हैं, फोर्स का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स टू, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो ऐसा लिख दे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू। ठीक है, तो जे हो गई हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क की। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, देखो कैन ऑल्सो रिटन एच एनर्जी और वर्क की यूनिट। फोर्स की क्या होती है न्यूटन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इतना, ये क्या लिखा हुआ है न्यूटन लिखा हुआ है ना, तो इसको बोल दिया न्यूटन, और ये हो गया आपका मीटर, न्यूटन इनटू मीटर, ये हो गई आपकी। लेकिन इसी को जो ये निकल के आया है इसी को बोलते हैं जूल, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये ज़्यादा याद रखना है जूल, तो आपसे कोई एनर्जी और वर्क के ऐसा यूनिट पूछे तो देते जूल, नोट करें फास्ट। फोर्स की ऐसा ही यूनिट न्यूटन, क्लियर है ना, ऐसे आपको याद करते चलना है। और एनर्जी और वर्क की ऐसा यूनिट जूल, क्योंकि आगे आपको केमिस्ट्री में इनसे कभी पाला नहीं पड़ने वाला है, कभी नहीं, जूल से पड़ेगा। जूल को किलोरी में कन्वर्ट करोगे, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करोगे आप, तो जूल से पाला पड़ने वाला है आपका। हमें इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगी आखिरकार चल कैसे रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए, पावर। कितनी एनर्जी जनरेट हुई है, हाँ वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हो आप, इन अ पर्टिकुलर टाइम में, वही कहलाती है आपकी पावर। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, लिखने का तरीका ऐसे कर लो पैट, तो पैट से एनर्जी अपॉन टाइम, पैट हमने सीरियस नहीं लिखा, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते। चलिए ए यहाँ पर टी को टेम्परेचर में समझ लीजिएगा, सीधे टाइम ही लिख दो,
क्योंकि कैपिटल टी तो टेम्परेचर का सिंबल होता है ना। निकाल के दिखाइए क्या होगी इसकी यूनिट। तो आ गई, तो देखें एनर्जी की क्या है हमारी, यहाँ से देख लें, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, और ये यहाँ से हो जाएगा आपका सेकेंड, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ये जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स थ्री, तो ये हो गई आपकी पावर की एसआई यूनिट। लेकिन इस यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमें नोट कर लीजिए, अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, पावर को जूल अपॉन सेकेंड लिख सकते थे। ये देख लीजिए इसकी यूनिट क्या है आपकी, जूल और अपॉन सेकेंड। इसको भी आप याद ना करें, सिंपल यूनिट इसकी याद कर ले, पर जो हम बोल रहे हैं सिंपल तो याद होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। अच्छा, आप कहते हो ना अरे 10 वाट का बल्ब है, कम पावर का है, ये 100 वाट का बल्ब लाना उसका पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वाट, ध्यान रखिएगा। नोट करिए, इसको वाट बोलते हैं, वाट पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव्स में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन कर लें, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, बिल्कुल राइट, एनर्जी और वर्क की जूल, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, डिराइव्ड एसआई यूनिट ऑफ पावर, वाट, है ना, वाट याद आपको रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, प्रेशर, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेशर, आपको प्रेशर से बहुत ज़्यादा डील करना है। अभी आगे आपका चैप्टर आने वाला है जिसमें आप वॉयल्स के चाल ये सब री प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी धीरे धीरे, नहीं तो ये रोज परेशान करेंगे पढ़ाई में। अच्छा देखो, हम प्रेशर को कैसे पता करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स ही मान लो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या डिजॉल्व होती है, गैस, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो जो सॉरी फोर्स लगाया जाता है, फोर्स इन अ पर्टिकुलर, आप जैसे मान लीजिए साइकिल में हवा भर रहे हैं तो क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो जो फोर्स लगाते हैं पर्टिकुलर एरिया में उसी को तो क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है आपकी, देखते हैं क्या होती है, फोर्स अपॉन पर्टिकुलर एरिया, फोर्स की क्या होती है, क्या होती है, किलोग्राम, अब फोर्स को हम कैसे याद करते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, तो एक्सीलरेशन की क्या होती है, जो चेंज आता है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में उसी को तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड इनवर्स टू, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर यहाँ पर है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। अब दो एक अच्छा आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर सेम वैल्यू आ जाती है ऊपर नीचे तो कट जाती है, अपोजिट आती है जुड़ जाती है, या फिर आप अपने लॉजिक से देख लो, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे माइनस टू हो जाएगी, तो यहाँ प्लस वन और यहाँ पर माइनस टू कैंसिल हो जाएगी, तो एक के जी और मीटर अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, और ये सेकेंड इनवर्स टू, तो जे हो गई हमारी यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन इसको भी आपको ज़्यादा
याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर की बिल्कुल सिंपल है, प्रेशर से पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। देखिए ये जरूर याद कर लेना, इसकी जरूरत पड़ती है हमें बहुत ज़्यादा ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वेयर। तो इसको जरूर याद कर लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये इम्पोर्टेंट है आपकी, है ना, आगे भी आपको बहुत काम देगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। तो प्रेशर से पास्कल याद रखिएगा, इसको भी पास्कल ही बोलते हैं, पास्कल ही लिखा है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम यूनिट में फ्लो कर रही हैं, गुजर रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, इन एसआई यूनिट द पर्टिकुलर यूनिट टाइम इज सेकेंड। एसआई में टाइम को हम क्या लेते हैं? सेकेंड लेते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट से, एक निश्चित पॉइंट से आपकी जो वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स फ्लो कर रही हैं पर्टिकुलर टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी, है ना। तो फ्रिक्वेंसी की सीधी होती है कि एक साइकिल को पूरा करने में उसने कितना टाइम लिया हुआ है, वही क्या कहलाती है आपकी फ्रिक्वेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट डालिए फ्रिक्वेंसी। और इसके बाद तुरंत पूछने वाले हैं हम आप लोगों से सभी यूनिट्स, है ना। तो नेक्स्ट देखिए आपकी कौन सा नंबर आ गया नेक्स्ट? नाइन्थ। चलिए फ्रिक्वेंसी देखिए, साइकिल पर यूनिट टाइम, एक निश्चित टाइम में जो साइकिल पूरी हुई है, एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगा हुआ है, वही कहलाती है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी? सेकेंड इनवर्स, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज़, कई बार पूछी गई है आपकी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दोनों याद होनी चाहिए, सेकेंड इनवर्स एंड हर्ट्ज़, दोनों ही याद होनी चाहिए। साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसआई में ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए हमें एसआई यूनिट सेकेंड लेनी पड़ रही है। तो एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। और जनरली ये वेव्स और रेडिएशंस के टर्म में यूज करते हैं, वेव लेंथ पढ़ते हैं जब फ्रिक्वेंसी बताएंगे इनको आपको, लेकिन अभी से तो यूनिट पकड़ लीजिए। तो फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड। चलिए अब तो सिंपल है, ये आप लोग निकाल के दिखाइए। अच्छा आप लोग ये बताइए, करंट को कैसे ड्राइव करते हैं हम? हाँ वो तो उसका सिंबल हो गया, यूनिट हो गई एम्पियर, लेकिन करंट को हम कैसे डिफाइन करें? आपसे पूछे कि करंट को आप डिफाइन करके दिखाइए, तो आप लोग कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल जनरेट इज नॉन एज करंट, एंड अदर वे करंट इज ऑल्सो जनरेट बाई द फ्लो ऑफ आयन्स। दो ही प्रकार से करंट जनरेट हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो या आयन्स। एग्जाम्पल बताते हैं, ये जितनी मेटेलिक वायर हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन बैटरी वगैरह में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं लेकिन वहाँ करंट जनरेट होने का मेन कारण है आयन्स का फ्लो होना। तो या तो आयन्स फ्लो करें या इलेक्ट्रॉन, दो ही प्रकार से आपका करंट जनरेट होता है। तो अब डेवलप क्या होता है, जब भी करंट फ्लो हो रहा है उसका मतलब क्या है? चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो किया इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नॉन एज करंट, इसी को बोलते हैं हम करंट। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो नेक्स्ट लिखिए,
इलेक्ट्रिक चार्ज, और सिंपली से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया था, कूलम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज करंट फ्लो इन अ टाइम। क्या होती है करंट की? एम्पियर। क्लियर ना? और टाइम की? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, और इसी को बोलते हैं कूलम्ब। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है आपके कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट निकालिए आप लोग, लास्ट। बस इतने ही काम किए हैं आपकी केमिस्ट्री में, और नेक्स्ट निकालिए डेंसिटी। कोई चीज़ कितनी डेंस है वो पता चलता है कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है ना? जैसे हम कहें इस कमरे में कितना मैटर प्रेजेंट है, वही उसकी डेंसिटी है। अब इस कमरे में बोल रहे मतलब वॉल्यूम में बोल रहे, और मैटर प्रेजेंट है मतलब मास। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। हमने कहा इसमें जितना मैटर होगा वही तो इसका मास होगा, और इसको मेजर करते हैं हम वेट में, केजी में आपके। तो अब हमसे कोई पूछ ले कभी भी डेंसिटी के सीधे सुंदर शब्द हैं हिंदी में घना। कोई चीज़ कितनी घनी है, ज़्यादा घनी है मतलब ज़्यादा डेंसिटी है, कम घनी है मतलब कम डेंसिटी। की हिंदी ही होती है घनत्व, हिंदी में बोलते हैं उसको घनत्व, घनी। अब जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली की डेंसिटी बहुत हाई, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अगर 1 किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं तो वहाँ पर 5,000 लोग रहते हैं आपके, तो वहाँ डेंसिटी कितनी हो गई? बहुत कम। हमारे यहाँ एक मकान दूसरे मकान के बीच में बहुत डिस्टेंस है, वहाँ पर छोटे छोटे से मकान बिल्कुल अगल बगल, निकलने के लिए जगह नहीं है, वेरी हाई डेंसिटी है। और कई कई तो यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ आपकी ऐसी हैं जहाँ पर तो सांस लेना भी दुर्भर है, इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी है आपकी। तो कोई चीज़, ये तो हमने आपको व्यवहारिक रूप में, केमिस्ट्री में हमें इस पर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पढ़नी है, हमें डेंसिटी, हमें मैटर के टर्म में पढ़ना है। जैसे हम जब पूछ ले प्लास्टिक और आयरन में किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हैवी होगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा आपके हाई डेंसिटी वाले के ऊपर फ्लो करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, नॉट फ्लो, फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है आपका। और डेंसिटी कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी, जैसे कि हम कहें हमने सॉल्ट को डाला पानी में तो सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब कि सॉल्ट की डेंसिटी ज़्यादा थी वाटर से। लेकिन हमने ऑयल को डाला अगर पानी में तो ऑयल क्या करने लगता है, फ्लोट। तो क्लियर है ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है पानी से। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो आपकी जिसकी हाई डेंसिटी है उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगी, ये ध्यान रखिएगा इसको। क्योंकि आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर्स आएंगे आपके, कि लो डेंसिटी अब आपसे पूछने लगते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहीं से, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसका सीधा सा आप पकड़ लो कि पक्का है कि आइस की डेंसिटी क्या है वाटर से, इसलिए यहाँ से आंसर पर। और इसका कारण होता है कि आइस के अंदर एयर वैक्यूल बन जाते हैं, आपकी खाली जगह बन जाते हैं। अब हमने एक मान ली कोई भी पिकिया ले ली, कोई डब्बा ले लिया, उसको ढक्कन से बंद कर दिया, वो दिखने में तो इतना बड़ा है लेकिन अंदर से पूरा क्या है, खाली। उसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, कम ही होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर मास क्या है, कम है। तो सीधे डेंस रखने की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम कह दें और 50 आ जाए कि मूड के ऊपर बैठ जाए, यहाँ सब जगह बैठ जाए, तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी एक समझाने के हिसाब से ज़्यादा। तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा घनी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम जब कह रहे हैं घनी है तो घनी होने के लिए उसके ऊपर मास होना चाहिए,
और मास जब आएगा तो वो क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा, और जो स्पेस कवर करता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी बहुत मिलने वाली है आपको आगे। डेंसिटी के देखो कई सारे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंबल में। सिंपली जैसे कोई चीज़ सॉलिड है कि डेंसिटी निकाल रहे हो आप, या फिर लिक्विड की निकाल रहे हो आप, तो उसके लिए सिंबल रख दिया जाता है स्मॉल डी। लेकिन गैसेस के लिए इसको लिखा जाता है रो, इस प्रकार से। तो गैस की अगर डेंसिटी हो तो इसका सिंबल होता है रो। हालांकि इन सिंबलों की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आप हर चाहे सॉलिड हो या लिक्विड चाहे गैस सबके लिए डी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नॉलेज के लिए बताना था हमें। तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या फिर हम बोल दें किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अच्छा है डेंसिटी की, ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट, लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट ज़्यादा फेमस है डेंसिटी की आपकी। तो देखिए हम डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास सीजीएस में मास को किस पे लेंगे, ग्राम में, क्लियर। और वॉल्यूम को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को 3 बार लिया तो ये 7 हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है इसकी सीजीएस यूनिट, और मोर फेमस देन एसआई यूनिट। अब देखना हम जब आपको पढ़ाएंगे पूरे न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे 11th में 12th में, कभी भी उसमें डेंसिटी आपको एग्जाम में नहीं दी होगी, इसी में दी जाती है डेंसिटी। डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, कैपिटल डी से भी लिख लो, सिंबल आप अपना बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्मॉल डी और रो ही होता है इसका सिंबल, ग्राम पर क्यू। और आपको मतलब हम ये कह रहे कि कन्वर्जन फॉर्म में मिल जाए तो बात अलग है कि किलोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में दे दे फेस में ले जाए, लेकिन हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे लगभग 100% ही डेंसिटी इसमें दी जाने वाली है आपकी। चलिए वैसे इतनी पर्याप्त है, इसके अलावा और भी होती हैं आपकी, है ना, जैसे रेजिस्टेंस की होती है ओम ना, और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी एसआई यूनिट्स को जो मैन लिखवाई हैं हम आपको 1 मिनट देते हैं, याद करके सुनाइए हमें, है ना। 2-3 मिनट और पढ़ेंगे फिर कल से चालू करेंगे, कल से एग्जैक्ट 6:30 पे हम आपकी स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल 6:30 फिक्स, है ना, क्योंकि अब पढ़ाई को हमें उसमें लाना पड़ेगा फ्लो में, और हमें आपका साथ चाहिए पढ़ाई में, ध्यान रखिए। आप लोग पढ़ के तो दिखाइए हमें, फिर हम आपको पढ़ा के भी दिखाएंगे। और आप सभी में बहुत ज़्यादा क्षमता है, मैं जानते हैं हम, और बहुत अच्छे नोट्स बनाइएगा, फेयर कॉपी चैप्टर कंप्लीट होते ही चेक करेंगे हम, जल्दी से सब याद कर लो। बाकी ड्राइव करने का हमें तरीका आपको बता ही दिया है, थोड़ा घर में जाके पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, वीडियो हम डाल ही देंगे, रिवाइज करिएगा बार बार, देखिएगा, है ना। पूछते हैं हम आप लोगों से, जल्दी से याद कर लो, मैंने याद कर लो ना प्रमुख, जैसे न्यूटन हो गया, वॉट हो गया, ऐसे
ठीक है ना। तो इतनी तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए इसकी एसआई यूनिट्स। तो ये है इनकी डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। तो एक एक करके चलते हैं। सिद्धार्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? देखना नहीं हटाओ। न्यूटन, ध्यान रखिएगा। आप बताइए आयुष का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन है ना, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन होती है। आप बताइए राज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क? जूल। वेरी गुड, ठीक है। आप बताइए योगेश, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट। वेरी गुड, वॉट होती है। आप बताइए स्वाति, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। वेरी गुड, पास्कल। आप बताइए सृजल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। बिल्कुल राइट, हर्ट्ज होती है इसकी एसआई यूनिट। अब यहाँ से आप बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? वेरी गुड, कूलम्ब। एंड फाइनली लास्ट वन, डेंसिटी की देख लेते हैं। वैसे सभी को पता होगी लेकिन इसकी फेमस एसआई यूनिट तो यही है, यही लिखना पड़ेगा। आप बता दीजिए महक। नहीं तो वो तो सीजीएस हो जाएगी, एसआई पूछा हमने। एसआई क्या होगी? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है ना। मास को अगर हम एसआई में लेंगे तो किलोग्राम, और वॉल्यूम को एसआई में लेंगे तो मीटर ना। वो तो उसकी सीजीएस थी, फेमस वही है, चलती वही है। लेकिन अभी हम कौन सी लिख रहे हैं? इम्पोर्टेंट डेराइव्ड एसआई यूनिट्स, ध्यान रखिए। तो ये इतनी बिल्कुल याद होनी चाहिए खटाखट, बिल्कुल ये यूनिट्स बिल्कुल नोट कर लो अपनी कॉपी में। और अब अपना इतना सारा जो पढ़ा हुआ है वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप इतना भी याद कर आओगे तो हम सेटिस्फाई हैं आपसे, ये ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल अच्छे से आप, और बाकी उनको भी करो, और है ना, कल से हम 6:30 से आपकी स्टार्ट करेंगे।